14 देखिए, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित बंटन का बहुलक 24 रुपए है तो लघु सॉरी लुप्त बारंबारताओं को ज्ञात करिए, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना इनको आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं इसका, फिर से इस तरह से यहाँ पे यहाँ खर्च लिख देंगे और उनके परिवारों की संख्या यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये आपका हो गया खर्च और यहाँ हो गया परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या यानी कि इसकी बारंबारता दी गई है। ठीक है, चलिए खर्च जो दिया है वर्ग अंतराल है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये ना दिया गया है। अब इनकी परिवारों की संख्या दी है 14, यहाँ दिया क्वेश्चन मार्क तो इसको मान लीजिए एक्स। ठीक है, ये 27, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ वाई मान लेते हैं क्योंकि अलग होगा ये, और ये 15। चलिए इसको जोड़ देते हैं, यहाँ टोटल लिखते हैं टोटल। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 56 + x + y। ठीक है, अब देखिए लेकिन आपके क्वेश्चन के अनुसार इसका योग कितना दिया है 100 ना, तो इसके इक्वल में 100 कर दीजिए, यानी कि यहाँ से आपका निकल जाएगा x + y बराबर 56 जाएगा घटेगा तो क्या आ जाएगा 44। इसको समीकरण आप एक मान लीजिए अलग से। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में दिया है बहुलक कितना दिया है, तो 24 दिया है। तो आपको जब आपको पता करना होगा सबसे पहले बहुलक वर्ग, क्या पता करना होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग पता करने के लिए अब आप यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता वाला ट्रिक अपनाइएगा तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जब सब ये x और y विलुप्त पद है तो x और y की जगह कुछ भी हो सकता है, हो सकता है 27 की जगह यहाँ x की जगह यहाँ 29 हो, ये भी हो सकता है x की जगह y की जगह यहाँ 30 हो, तो ये वाला हो जाएगा ना इससे बड़ा, तो इस तरह गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग पता करने के लिए जो बहुलक का मान दिया होगा, जब ये विलुप्त पद दिया होंगे ना तब ऐसा देखना है, जब कोई पद गायब होगा, जब किसी की बारंबारता गायब होगी तब ये ट्रिक लगाएंगे। आप देखेंगे क्या कि बहुलक कितना दिया है, तो बहुलक है 24, और बहुलक 24 जो है किस वर्ग में आ रहा है, तो 20 से 30 के बीच में आ रहा है ना, तो यही हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। समझ गए, तो यहां से आपको देखना होगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग होगा 20 से 30। ठीक है, अब देखिए इसमें L की मान की बात करें तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ना। चलिए अब F1 की मान की बात करते हैं, F1 तो यही हो जाएगा इसकी बारंबारता जो है। ठीक है, F1 बराबर आ जाएगा 27, और F0 ये इसके ऊपर वाले को F0 कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे F2 कहेंगे, है ना। अब देखिए यानी कि F0 यहां से आपका कितना आ गया x है ना, और F2 आ गया आपके पास y। ठीक, और h का मान कितना है, तो h तो है आपके पास 10। अब देखिए यहां से निकालते हैं x और y के मान, तो आपके पास बहुलक बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 24 दिया है। तो बहुलक का फॉर्मूला यहाँ लिखिए L+F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 और इनटू में h और बराबर में है 24। L का मान कितना है आपके पास, तो 20 है, ध्यान रख दीजिए 20, यहाँ लाइन खींच देते अलग से, 20 + F1 का मान देखिए, तो F1 का मान है 27 और F0 का मान है x, बटा में यहाँ देखिए 2 × 27 - x और - y। ठीक है, बराबर इंटू एच की जगह पे क्या है, तो एच की जगह पे आपका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 10। ठीक है, और बराबर में है 24, और इस 20 को उधर ले घटा देते हैं ना, चलिए तो 20 को ले जाके जब उधर घटाइएगा तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 27 - x बटा में देखिए 27 × 2 कितना हो जाएगा 54 माइनस, यहाँ से कॉमन करिएगा तो ये x + y बन जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, और इंटू में है यहाँ 10, और ये 20 को ले जाकर उधर घटा दिए तो आ गया है आपका 4। 27 - x / 54 और माइनस x + y का मान आपके पास कितना है 44 है ना, यहाँ 44 रख दीजिए, और गुना में है आपका 10 बराबर है 4। चलिए अगले स्टेप में क्या करिएगा, तो ये घटा देते हैं तो हो जाएगा 27 - x / 10 × 10 बराबर 4। 10 से 10 काट दें, चलिए ये प्लस का 27 उधर जाके माइनस का होगा ना, तो -x बराबर हो जाएगा 4 - 27। चलिए -x बराबर हो जाएगा -23 ना, तो x -- काट दीजिए है ना, तो यानी x बराबर क्या आ गया 23 आ गया। अब देखिए समीकरण एक जो था, समीकरण एक वो तो क्या था आपका, तो था x + y = 44 ना, तो जब अगर x की जगह यहाँ 23 रख दीजिएगा तो y का मान नहीं निकल जाएगा, तो आपके दो विलुप्त पद यहाँ से आ जाएंगे, तो इधर ले जाकर घटा दीजिएगा तो y बराबर यहाँ से निकल जाएगा आपका 21। समझ गए, 23 और 21 इसका आंसर हो जाएगा विलुप्त पद। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर